मैं आज देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। होता क्या है? होता यह है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। मगर ये अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है, जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है, खराब नहीं है किसान के लिए। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू 2 रुपए 1 रुपए किलो में बेचता है, उसके 3 महीने बाद अपना ही आलू भी 30 रुपए और 40 रुपए में खरीदने का मजबूर होता है। ऐसे टमाटर की बात है, अपनी ट्रॉली का डाल खोल के किसान सड़कों के ऊपर अपना आलू गिरने को मजबूर होता है, जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं। ऐसे जो किसानों को एक जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता, विकल्प देने की आवश्यकता है। अगर और कोई ये बात नहीं है कि भाई इन्हीं को देना पड़ेगा, अगर कोई अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का कोई FDI के अंदर जो स्टोर है वो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको देगा? कि देश का किसान बेवकूफ नहीं है, देश के किसान को मूर्ख ना समझिए। जिसको जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आढ़तिया देगा तो आढ़तिया को देगा, जो जिनको आपने काम होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई है और मेरे पास आंकड़े हैं, ये बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं।
ये आप तय कर लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किए थे उन सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। सबसे बड़ा वादा इनका था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मुझे बेहद खुशी है आज यहां सारी पार्टियां बैठी हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए। भाजपा ने पिछले चुनाव के पहले बोला था स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग तुरंत लागू किया जाए, किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिया जाए, किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान अपना हक मांग रहे हैं, जो खून पसीना बहाते हैं उसका हक मांग रहे हैं। अगर किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल गए, किसान दोबारा आपसे अपनी कर्ज माफी कराने के लिए कभी नहीं आएंगे। अपना कर्ज वो खुद कर लेंगे, अपने बच्चे की शादी खुद कर लेंगे, अपने घर में कोई बीमार होगा खुद कर लेंगे। आज किसानों को इसलिए हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए सरकारों के पास आना पड़ता है क्योंकि उनको अपनी खून पसीने की पूरी कमाई नहीं मिलती दोस्तों। तो हलफनामा वापस लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो ये जितने किसान आए हैं 2019 के अंदर कयामत ढा देंगे पूरे देश के अंदर तुम्हारे खिलाफ। ये भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो, झूठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो, यही इन लोगों का काम रहा है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था,
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है।